कभी भी किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करता है नेचर, उसका जो रिजल्ट है वो दिख के आता ही है। ये सेम चीज आप करो, आपके टीम को सिखाओ। आपका टीम क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि आपका रिलेशनशिप वैसा है, आपका कंट्रीब्यूशन वैसा है, आपका अप्रोच वैसा है, आपका ग्रूमिंग वैसा है, आपका सोच वैसा है। आपका अंदर वो सोच रिलेशनशिप लाओगे, आपका अंदर वो कंट्रीब्यूशन लाओगे, आपका टीम बेहतर तरीके से काम करेगा, राइट? देगे तो बढ़ेगा। ये सृष्टि का नेचर का नियम है कि आपने अगर मुट्ठी भर बोया है तो आपको बोरी भर मिलेगा, बहुत बड़ा मिलेगा, नेचर का नियम है ना। आप बोते जाओ तो आपको मिलते जाए, करते जाओ। एक फार्मर का एटीट्यूड लाओ कॉन्ट्रीब्यूशंस के टाइम पे। फार्मर क्या करता है, जब व्हेनेवर ही स्टार्ट लाइक वो जो सो करता है, अब जब उसका चल रहा है सोइंग, जब वो जमीन में डाल रहा है अनाज, तब वो कुछ अनाज ऐसा है कि पत्थर पे गिरता है, कुछ अनाज ऐसा है कि ऐसी जमीन पे, बंजर जमीन पे गिरता है कि वो नहीं उगने वाला है, वो नहीं ऊपर आने वाला है। कुछ पंछी उसको खाकर उड़ रहे हैं, लेकिन वो फार्मर डाल रहा है कि वो उस पंछी के साथ नहीं उड़ता है, उसके पीछे पत्थर लेके नहीं भागता है, उस पत्थर पे गिरे हुए अनाज को देखकर नहीं रोता है। उसको पता है जितने भी गिरे हैं और जो सही तरीके से गिरे हैं वो मल्टीपल होके बाहर आएंगे। आपके एफर्ट भी फार्मर जैसे होने चाहिए। कुछ एफर्ट्स आपके गए, कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया, कभी सेल्स नहीं बढ़ाए, कुछ प्रॉब्लम आए, किसी को सलाह दी उसको अच्छी नहीं लगी है, ये बहुत छोटी चीज है। ये एक बोलते ना उसको पत्थर पर, बंजर जमीन पर पड़ा हुआ सीड है, लेकिन कुछ तो आपने अच्छा बोया है, वो रिपीट होके आपके पास आएगा। वो मेहनत आपको वापस सफलता के लिए काम करती है। सृष्टि कभी भी किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करती है।